जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नू, मैं हाँ तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया। गल जब मसलों की होंगी है तो मसले अजिहे साडी कौम दे विच आ जाते हैं जिन्हां दे उत्ते विचार वटांदरा करना लाजमी बन जाता है, और जब लाजमी बनता है तो फिर कितने ना कितने कवायद शुरू होंगी है सिख जथेबंदियों वालों कि इस मसले का निपटारा किवें हो सकेगा। अगर निपटारे की गल करते हैं तो आने वाले समय के कई अजिहे मसले कौम दे विच होए जिन्हां नूं लैके विचार वटांदरा किया गया, भावें वह सियासी मसले होण, भावें वह मसले धार्मिक होण, भावें वह मसला करतारपुर लांघे का होवे, लेकिन मसले जिहड़े ने वह तुहाडे ने क्योंकि सांझे मसले ने, और अज सांझे मसले दे विच करांगे विचार वटांदरा। मैं मौजूद हाँ सिख कल्चर सोसायटी 118 गुरुद्वारा न्यूयॉर्क दे विच जिथे अज गलबात होएगी मैनेजमेंट के नाल, गलबात होएगी संगत के नाल, गलबात होएगी उन्हां बुद्धिजीवियों के नाल जो कि अपने इस विचार नूं साडे नाल सांझे करने चाहुंदे ने। और जद गल आउंदी है सांझे मसले दी तां संगत जी मसले तुहाडे ने क्योंकि सांझे ने मसले। आओ विचार करिए, मेरे नाल मौजूद हैं गुरुद्वारा साहिब के प्रेजिडेंट साहब, उन्होंने तो शुरुआत करते हैं। ढिल्लों साहब किवें देख रहे हो, किस पासे देख रहे हो, अज कौम किस पासे तुर रही है, वक् वक् जथेबंदियां आ रही हैं अपनी सोच लैके, तुहानूं लगता है कि सानूं किस किस गल्लां दी लोड़ हैगी है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत वधिया क्वेश्चन कीता तुसीं, अज सानूं किस चीज़ की लोड़ आ। सब तो जरूरी सानूं साडे अपने घर की लोड़ आ, जिहड़ा कि साडा सिख कौम का घर होना चाहिए। उहदे वास्ते हर जथेबंदी ने अड अड कई बारी मोर्चे लाए, स्टिल मोर्चे चल रहे आ। दूसरा जिहड़ा कि एक सब तो वधिया, असी किसी भी पार्टी नाल नहीं आ, असी जिस तरह तुसीं वेख्या होगा कि सिद्धू साहब ने एक किड्डा वधिया जो काम जो सिखां नूं चाहीदा सी उलांघा, उहदे बारे विच मुद्दा उठाया। महाराज सच्चे पातशाह की कृपा हुई, वह सानूं दोवां कंट्रियां दीआं गौरमेंटां ने सिख कौम नूं एक तोहफा दिता। असी दोवां कंट्रियां दी इन्हां दीआं पार्टियां नूं, इन्हां दीआं हुकूमतां नूं वधाई दिंदे हां इस चीज़ की, अगे तो भी आस करते हैं कि आओ रल मिल के जो जिहड़े होर भी साडे मसले हन, सिखां दे मसले हन, उहनां नूं इंडियन गौरमेंट का फर्ज बनता है पहल आधार से सिखां नूं जो जो उन्हां दे हक मिलते हैं बनते हैं वो दिते जाण। जिहड़ा ये लांघा होया है इहदे विच मैं वधाई भी देना वा अपनी कौम नूं भी, सिखां नूं भी, जिन्हें जिन्हें भी संजोग दिता है। मैं बेनती भी करूँगा इहदे विच कोई भी अपनी पॉलिटिक्स ना खेडे, ये एक सिखां दा जायज़ मंग सी, वह सानूं मिली आ। असीं दोबारा सिख सोसायटी वालों दोवां गौरमेंटां दे धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। पिछले वीक जिवें आपां लैके आए सी करतारपुर लांघे दी विचार असीं तुहाडे नाल कीते सीगे, और संगत ने सानूं दस्सिया सीगा कि सानूं बहुत माण महसूस है, सानूं बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अज जद विरोधियों की गल होंदी है, जद वख वख जथेबंदियों की गल होंदी है, तो संगत जी कहा जाता है कि सियासी चश्मा ना अजकल सियासतदारा ने पाया होया, क्योंकि धर्म जिहड़ा है वह थले करता, सियासत उच्चे करती, लेकिन सियासत जिहड़ी है वह उच्ची किवें हुई है? की तुहानूं लगता है कि जिहड़ी सियासी रोटियां सेकियां जांदी है भावें वह भारत के अंदर पंजाब के अंदर, जेकर मैं गल करां श्रोमणी अकाली दल की, तो यह भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि जथेदार निकलते हैं जेब तो लिफाफिया तो, आ जिहड़े विचार ने सिख डायसपोरा की कहना चाहुंदा है, क्योंकि मसला फिर सांझा ही है ना। हक साहब जेब तो निकलता जथेदार, सिख डायसपोरा इस गल नूं किस तरीके नाल देखदा? गल तुहाडी ठीक आ, निकलदे ते जेब चों ही ने। अज तक पिछले कोई 15-20 साल तो बादल साहब की जेब चों निकल रहे साडे जथेदार, श्रोमणी कमेटी के प्रधान, तो इहदे नाल साडी कौम का बहुत वड्डा नुकसान होया और हो रहा। ये सारा जिहड़ा इदां दा प्रोग्राम आ वो बंद होना चाहिए, इहदे अधिकार जिहड़े उह सिखां कोल सिख संगत को होने चाहिए, अपने जथेदार नूं नियुक्त करना जां अपने होर सिख मसले जिहड़े आ हल कर रहे आ, उह समुचे सिखां दी सलाह दे नाल उह कम होने चाहिए। किसी एक इंसान की जेब विच्चों जथेदार वर्गी जिहड़ी पवित्र पोजिशन आ उहदे किसे बंदे नूं नियुक्त जिहड़ा इदां नहीं कीता जा सकदा, असीं उहदे नाल सहमत नहीं जी। उह कहिंदे रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पालशा करिए, अजकल कई सियासतदान बूट पालशा करनी उन्होंने शुरू करती है, लेकिन यह संगत है, यह वह संगत है जिहड़ी सब जानती है, जिहड़ा तुहानूं गद्दी ते बिठाणा भी जानती है, उहनूं तारना भी जानती है। कंग साहब मौजूद ने, जानने की कोशिश करदे आ, सिख डायसपोरा की गल करिए, अज सारी जथेबंदी इत्थे खट्टी है, कित्थे वेख रहे हो तुसीं कौम नूं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो सिख मसलों के चाहे वह साडा 1984 का जो साड़ी सिखां दी नसलकुशी हुई है, वह 34 साल बाद जिहड़े दो बंदियां नूं जिहड़ी फांसी दी, एक नूं फांसी दी, एक दी, उहदे नाल साडी माड़ी मोटी किरन जागी आ कि सानूं उहदा इंसाफ मिलेगा। दूजा जिहड़ा वा कि गुरु ग्रंथ साहिब दीआं जो बिबदियां हुईआं
जेड़े सिंह निहत्ते ही उन्होंने गोलियां चलाईया गई, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वह बरगाड़ी मोर्चा ला के सिंह ने तो थोड़ा जहा सरकार तो उतों की हुकूमत को जरा हिलाया वा। दूसरा हर कोई पोलीटिकल पार्टी आ चाहे कोई जसेबंदी आ, मैं कहना कि जी सिख पंथ लिए काम करती आ वो शलाघाजोग आ, पर यह आ भी जदों अपनी पांच गोलियां जो कोई एक कैन भाई दी कैन भाई दी असी वीक जरूर होंने, पर इन सारे का जो टारगेट एक थाई पहुँचन का ना तो इन्हों कट्ठे होने की जरूरत आ। मैं समझता कि इन सारे कट्ठे हो के जेडे हूँ कोई मगरमच्छू वांगू अपने हंझू बहुते ने, जेडे कि दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का वेख्या कि किन्ने करोड़ों के घपले होए ने, जेडे कि कदा डेढ़ डेढ़ करोड़ के चक्कर जो सुने ने, जे वह सच्चाई आ तो मैं कहना भी सिख पंथ में यहोजे बंद बिल्कुल उन्होंने सिख पंथ उन्हों की बहन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जे इस दोष जड़े ने वो साबित होंगे ने। तो इस करके सिखां अपना निरोल जी अपनी सही अपने सिखी का सबूत देंदे हुए अपने फर्जां पछाणदे हुए तुसीं भावें किसी पार्टी 'च वी आ जिथे सिख पंथ का काम आउंदा ना उस मसले के उत्ते आके अपना पहरा दिओ, तो कि फिर असी अपने जो सिख पंथ वा साडे सिख भाईचारा वा जो सिख डायवर्स उहदे विच असी अपना रोल अदा करिए। भावें चाहे जो मर्जी तुहाडे विचार होण, तुहाडी आइडियोलॉजी डिफरेंट होए, लेकिन जद गल मसलियां दी आउंदी है, जद गल सिख भाईचारे दी आउंदी है और जद गल आउंदी है सांझे मसलियां दी, तां जिवें कंग साहब ने सानू कहा कि सानू लोड़ हैगी है एक छत दे थले खड़े होण दी, यानी कि एक निशान साहिब दे थले खड़े होण दी, तुसीं मन्नदे हो इस गल नूं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलों आप इस चीज़ के उत्ते मनीए भी सिख कौम जी इस वे गुलाम आ, तो गुलामी अपने गलों आप किस तरह ला सकते हैं। सब तो ज़्यादा साड़ी सब तो जी श्रोमणी जी मनी जाती सी अकाली दल वो इन्नी करप्ट हो चुकी आ कि जो पिछले टाइम वेख्या वा उन्होंने बेड़ा ही गल करता सिख कौम का, खास करके साडे तख्तों का ला लो साडी जिनी भी सिखा की जी पछाण सी उन्होंने ढा लाई आ। जिहड़ा मसला अज चल रहा वा भी अज कि मगरमच्छ वांगू जिहड़े अथरू अपने जोड़े साफ करके लोगों के कर रहे हैं, जिहड़ा कि इन्हां नूं पहलों कर लेना चाहिए सी, पर अज मैं समझदा जिन्ना चिर तक सिख कौम जिहड़ी आ उह अपने आप नूं गुलाम नहीं समझेगी, अपने आप नूं आज़ाद आपां किद्दां करवाउणा वा उहदे उत्ते जिहड़ी सिख कौम अज वर्क कर रही आ। जिहड़ी आपां आज़ादी की गल करदे आ रेफरेंडम थ्रू होणी आ, उह आज़ादी आपां तां मिल सकदी आ जे आपां इक मुठ से इक प्लेटफॉर्म ते आवांगे। तां लीडर पंजाब दे उत्तों जिहड़ा मर्जी आवे, जेकर उस सिख कौम के खिते दे विच जां उस तकड़ी दे विच पूरा तोलिया नहीं जाता, उहदा कदी भी किसी टीवी चैनल नूं जां किसी होर नूं उहदे एक तरफा नहीं लैना चाहिए, उहदे बराबर दे वास्ते दूजे पार्टी नूं जरूर बिठा लेना चाहिए। अज श्रोमणी अकाली दल नूं लै के भावें वह पंजाब दे विच उहनां दा जिहड़ा वर्क प्रोसैस है, भावें वह दिल्ली दे विच जिहड़ा वर्क प्रोसैस है, उहनूं लै के किते ना किते निखेधी हो रही है। निखेधी क्यों हो रही है कि वाकई दाल च कुछ काला है, या फिर जिहड़ी हाई कमान तों गल्लां हो रही हन कि जेब तों जत्थेदार निकलदे हन? मैं गल कर रहा कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल, सबका डिप्टी सीएम सुखबीर बादल दी, कि लगता कोई भविख हैगा सुखबीर बादल का, कि लगता श्रोमणी अकाली दल का कोई भविख हैगा, कि वाकई ही वो सिखां दी नुमाइंदगी कर रही है, क्योंकि वह तो कहाउंदी है ना अपने आप नूं कि असीं सिखां दे पहरेदार हाँ, और जब कोई मसला आउंदा तो असीं अपनी जान देने भी एकदम हाजिर हाँ, तो फिर लोड़ की हैगी है सिख डायसापोरा नूं टेंशन लैण दी? वो तो कह रहे हैं कि सानूं कोई लोड़ नहीं हैगी, सानूं लोड़ हैगी है पंजाब दे विच उस इंसान दी, पंजाब दे विच उस पार्टी दी जो सिखां दे मसले कर सके हल, क्योंकि मसले जिहड़े ने ना वो कुछ होर नहीं हैगे, मसले सांझे ने। रुक रहे एक वक्फे लई और वक्फे तो बाद भी मेरी लगातार आ पेशकश जारी है और कोशिश करांगे इन्हां सारे सवालों की जवाब लैण दी। ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है जी। लगातार असीं अज सांझे मसले दे विच विचार करन दी कोशिश कर रहे हैं। मैं मौजूद हाँ सिख कल्चर सोसायटी। देखो भावें जो मर्जी होया होवे, भावें साडे गुरु साहिब ने शहादतां दित्तियां होण, छोटे साहिबजादे ने शहादतां दित्तियां होण, वड्डे साहिबजादे ने शहादतां दित्तियां होण, लेकिन गुरु साहब ने हमेशा मोटीवेट किया है कि तुसी घबराउण दी तुहानूं लोड़ नहीं हैगी, अगर असी अपनी शहादत दित्ती है तां अज कौम जिंदा है, और कौम जिंदा है वह यूथ दे सदका जिंदा है। लेकिन तुसी जानदे हो बड़े वधिया तरीके नाल कि अज साडा यूथ किस पासे तुर रहा है, भावें वह पंजाब दे विच होवे, भावें वह विदेशां दे विच वसदा होवे, उन्हूं लैके मैनूं बड़ी डेडिकेशन मिलती है जब मैं सिख कल्चर सोसायटी गुरुद्वारे आना, तो पूरी मैनेजमेंट दे विच जब मैनूं एक यूथ बंदा दिखता है और उसकी पावर दिखती है कि ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन द मैनेजमेंट, कि लोड़ हैगी अज यूथ नूं अगे आउण दी। भाई सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो तुसीं बहुत वधिया क्वेश्चन किया कि यूथ नूं अगे आउण दी लोड़ आ,
पर मैं भी ये महसूस करदा कि सानू यूथ नू बिल्कुल अगे लिआउण दी लोड़ आ। उस नाल जिवें आपां पिछे पंजाब तों देखिआ कि पूरा पंजाब दा यूथ हैगा उहनू नशे वल धक्क दित्ता गिआ, जिवें कि गौरमेंटां दा उह च रूल ला लो, पिछे क्या अकाली सरकार सी 10 साल तों उहने कुछ नहीं कीता, फिर लोकां दे मां पे पिट पिट मर गए वी साडे बच्चे मरदे जा रहे, कुछ करो। ते हुण थोड़ी बहुती जा के कुछ सख्ती माड़ी मोटी होई आ, पर फिर भी अपना यूथ जिहड़ा हैगा उसनू अगे लिआउण वास्ते उहनां नू सानू एजुकेशन लैण दी लोड़ आ। और सिख जथेबंदियों ये चाहिए कि सिखां वास्ते उन्हां वास्ते कोई विद्यालय खोलिया जाए, उन्होंने गुरु के नाल गुरु की बाणी के नाल जिवें जोड़ के फिर उन्होंने एक स्प्रिट पैदा होएगी कि एक सिख कौम एक वक्री कौम है। सानू अपना जिवें कि सारिया ने दस्या कि सानू अपना घर की भी लोड़ हैगी, सो असी संघर्ष भी लड़ रहे हैं, पिछले भी असी 1984 तो देखते आ रहे हैं जां 1978 तो कि सिख एक वक्री कौम है, उन वक्रा करन वास्ते ये यूथ नूं अगे आना चाहिए कि उन्हूं एक वक्रा घर भी लै सके और गुरु दे नाल जुड़ सकन। मैं हमेशा गल सुनी है कि सिख अपनी कौम जिहड़ी है वह एक जरूर मंग कर रही है, वह कहती है कि भाई जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उहदे विच आर्टिकल 25B जिहड़ा उहदे विच संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, कहण दा भाव है कि उन्हूं हिंदू रिलीजन तो अड किया जाए क्योंकि जैनिज़म और बुद्धिज़म और हिंदुइज़म दे विच सब पार्ट पाया होया सिखिज़म, लेकिन सिख तो कहता है साड़ी तो पहचान डिफरेंट है, साड़ी तो आइडेंटिटी डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने लैके सिख डायसपोरा यानी कि अमरीका दे विच वसदी NRIs की कहिंदे हन और वो भी जानने की कोशिश आपां कर लैंदे आ। सब तो पहला अगर गल करिए आपां सिखी दी कि साड़ी आइडेंटिटी डिफरेंट है, व्हाट डू थिंक? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो कि हिंदू धर्म विच इंडियन गौरमेंट ने धारा 25B जो पाई हुई है ये सानू सिख कौम नू एक वक्री कौम ऐलान करना चाहिए, जिवें कि पाकिस्तान विच उन्हां दा मैरिज एक्ट उन्होंने ऐलान किया वा, इस तरह इंडिया विच भी वक्रा साडा धर्म है, सानू वक्रे सारे राइट्स मिलने चाहिए आ। मैं दूजी गल करांगा, जो बादलों ने सिख कौम का घाण किया है, जो बादल साहब नू फकरे कौम का खिताब दिता सीगा, वह सिख कौम नू जथेदार साहब नू अपील करदे को वापस लैन अते उन्हां नू पंथ चों छेकना भी चाहिए है जी। जिवें तुसीं गल कीती सुखबीर सिंह बादल दी, उत्थे दूजे पासे दिल्ली दे सरप्रस्त जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उत्ते बैठे हुए, इन्हां नूं सरदारे आजम दा किताब दित्ता गया, मैं तुहाडी जानकारी लई देना, कोहली साहब दिल्ली तों आउंदे ने, किवें वेखदे हो दिल्ली, तुसीं सुणदे हो की हालात बने हुए ने, भ्रष्टाचार की गल सामने आ रही है दिल्ली? वाहिगुरू जी खालसा वाहि फतेह। दिल्ली के हालात बहुत माड़े है, सारे उत्थे पैसे खाने वास्ते बैठे है, झूठे बिल बना के लोगों के पैसे वो खाते पे है, उन्होंने इन्नी भी शर्म नहीं है, गुरु के घरों से पैसे खाने पे है, कड़ा प्रसाद की देख वास्ते देसी घ्यो की बजाय डालडा घ्यो दे के कड़ा बनवा के प्रसाद मंडते पे है, बहुत माड़ी गल करती भी है, इन्होंने थोड़ी शर्म आनी चाहिए है सिखों, क्योंकि कहने का भाव है देखो जी ये जिहड़ा दर्द है ना, यह दर्द अमरीका आके तुसीं ना ऐ समझना कि यह दर्द हो रहा, यह वाकई दर्द है, इस करके यह जो भाईचारा है ना यह अमरीका मजबूर होया सीगा आज तो कुछ साल पहला, यही सिर्फ दर्द सीगे क्योंकि यह उन्होंने मसले जी के जो कि सियासतदान नहीं सुलझा सके, यही वो मसले जी के जिन्हों तो कोशिश होंगी सी वोट पा के आए ने पंजाब दे विच, इन्होंने कई तख्तों के उत्ते बिठाया लेकिन उन्होंने मसलों हल नहीं किया, उन्होंने मसलों सांझा नहीं किया क्योंकि मसले सांझे सीगे लेकिन देख कोई नहीं पाया। भावें असी गल कर लिए किसी भी विदेश दे विच या किसी भी मुल्क दे विच वसदे भाईचारे दी, वह अज यही अपना दुख प्रगटांदा शाम नूं सवेरे, वह सिर्फ पंजाब बारे जापदा, जिक्र योग है क्योंकि पंजाब दे हालात सिर्फ उस टाइम तो नहीं बहुत टाइम तो विगड़दे होए लेकिन अज तक हालात उत्थे दे उत्थे क्यों नहीं सुधर पा रहा, पंजाब क्यों अज भी सिख डायसपोरा परेशान है, तुहानूं लगता कि अज भी हालात उत्थे दे उत्थे पए ने? बिल्कुल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जितना सारिया ने ही अज का तुहाडा जिहड़ा विशा आ सिख मसले जिहड़े तुसीं मसले तो साढ़े उत्थे दे उत्थे ही पए ने सारे, सब तो वड्डी गल मैं ये कहनी चाहुंदा कि साढ़े मसले उन्हां तक हल हो ही नहीं सकते जिन्ना चिर सानू अपनी सिखां नू धार्मिक आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि सिख धर्म जिहड़ा वह जिन्ना भी सिख हैगे आ वह सारे अपने धर्म के नाल जुड़े आ, क्योंकि जिहड़ा साडा धर्म आ वह सारिआं नू बराबरता दा सुनेहा दिंदा, जो कि सारे वर्ल्ड दे विच अहीं जिथे भी जाने तुसीं भी जाने, तुसीं वेख्या ही है कि अजकल सिखां की किन्नी चढ़ती कला हैगी है, वह कारण ही यह आ। पर जिन्ना चिर साडा धर्म जिन्ना चिर साडा अकाल तख्त साहब उतों आज़ाद नहीं हुंदा उन्ना चिर साडे मसले उत्थे दे उत्थे ही रुके रहणगे, क्योंकि अज चाहीदा है कि सारी सिख कौम नूं ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ
आजाद उन्ना चर सिखा दे मसले हल नहीं होने। लीडरशिप की लोड़ है, वो लीडरशिप नहीं मिल पा रही, की कमियां है गी है। अगर कोई लीडरशिप सामने आती है तो वख वख जथेबंदियां उन्हों का सहयोग नहीं करती। क्यों नहीं सहयोग करती? क्योंकि कभी कभार एवें ही हो जाता ना, विचारधारा मैच नहीं करती। विचारधारा किवें मैच होएगी? केड़ी केड़ी लीडरशिप है जिहड़ी आने वाले समय के वाकई ही सिख कौम के मसलों के लिए पैरा देगी? क्योंकि मसले तुहाडे सारयां दे सांझे है। मैं सीगा हरकीरत सिंह आलूवालिया, वीडियो जर्नलिस्ट दलवीर सिंह दे नाल, जस पंजाबी दे लई। ते प्रोग्राम दे इस हिस्से दे विच सांझे मसलियां दे विच असी विचार वटांदरा कर रहे सीगे, क्योंकि आपां वख-वख जत्थेबंदियां दे नाल तुहानूं मुखातिब कराया, लेकिन हुण आ संगत है जिहड़ी सब कुछ जाणदी है और सब कुछ पता संगत नूं, क्योंकि साडा टीचा है कि तुहानूं उस संगत दे नाल असी रूबरू कराईए, मुखातिब कराईए, जो कि अपने दिल दे भाव, अपने जिहड़ी गल्लां बातां हन, अपने विचार हन, वो तुहाडे नाल सांझे कर सकन। असी अज किसी भी गुरुद्वारे के प्रबंधक नूं या फिर गुरुद्वारे के मैनेजमेंट के किसी भी एग्जैकटिव नूं या फिर किसी भी असी रिप्रजेंटेटिव नूं तुहाडे सामने नहीं रखिया, असी संगत नूं रखिया, क्योंकि इस संगत की कचहरी से ही इंसाफ हुंदा है। अज इस इंसाफ दे विच की आवाज़ होंदी है जानने की कोशिश करते हैं, भावें वह बरकाड़ी होवे, भावें वह 1984 नूं लैके गल्लां बातां होण। हुण क्योंकि हाल फिलहाल दे विच दो मुख आरोपियों भी सज़ा सुनाई गई है दिल्ली दे विच, होर श्रोमणी अकाली दल नूं लैके होवे, अकाल तख्त साहिब नूं लैके होवे, अमेरिका की धरती के उत्ते संगत की कुछ सोच रही है, वो जानने की कोशिश अज असी कर रहे हैं। इन्हां मसलों के शुरुआत करते हैं, साडे नाल ज्ञानी जी मौजूद हैं, बजुर्ग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वह किस तरीके सारे मसलों वेखते हैं। शुरुआत उन्हां तों। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ, ਜਵਾਨ ਜੋ ਵੀ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਵੰਡਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ? ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ? ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਸਮਝੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ, ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ, ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਖਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਘਰੋ ਘਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਜਮ ਦਾ
ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਆਪਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਆਪਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਹ ਸੱਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ, harkeerat@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਫੀਡਬੈਕਸ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਜ ਅਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ।